दुई दिवसीय विजिटर कन्फरेन्स 2023 को उद्घाटन करिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक छात्र छात्री मानकर चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दिया उचित, सेमानंकु नैतिकता संवेदनशीलता एवं परोपकार तथा भारतीय मूल्यबोध आधार में शिक्षार उपयोग करने समर्थ करने को मंगलवार राष्ट्रपति भवन ठारे अनुष्ठित दुई दिवसीय विजिटर कन्फरेन्स 2023 उद्घाटन समारोह में परामर्श देते माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ए उद्घाटन समारोह रे जोगदे केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समस्त शिक्षाविद मानंकु मार्गदर्शन निमन्ते राष्ट्रपति को धन्यवाद जणाइछंती। या व्यतीत से कहिछंती जे आगामी 25 वर्ष आम समस्तक पई महत्वपूर्ण, आगामी 25 रु 30 वर्ष मध्ये भारत विश्वगुरु हेबा पई जाउछि, भारत विश्वर ज्ञानर महाशक्ति हेबा दिगरे मध्ये गति करुछि। से कहिछंती जे प्रधानमंत्री को दृष्टिकोण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे रूप दिया जाइछि, विगत जातीय शिक्षा नीति रे अनेक पदक्षेप लिया जाइछि, भारत रे प्रथम थर पई 3 वर्ष पिलांकु साधारण शिक्षा रे जोडा जाउछि। राष्ट्रपति जब परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने एक आह्वान किया था जब वो कई कैंपस में थे, दिल्ली आईआईटी में थे, कि आप एल्यूमिनियम एंडाउमेंट क्यों नहीं बनाते हो। आज देश की लगभग कई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एल्यूमिनियम के द्वारा एंडाउमेंट बनी है, उनकी अलग फंड बनना शुरू हो गई है। उसी सिलसिला में हमने पिछले साल से ये दूसरा प्रेस्टिजियस एल्यूमिनियम जो रहे, जिन्होंने एक अपने भावना को अपने जिम्मेवारी को लिया उस इंस्टीट्यूशन के लिए, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति भवन में जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस होती है उस अवसर पे बुलाने का एक परंपरा शुरू किया था। शिक्षा विभाग ने आदरणीय राष्ट्रपति जी को अनुरोध किया था, उन्होंने उसमें कॉन्सेंट दिया। ये इसका दूसरा साल है। इस बार हमने ना केवल डोनर्स को बुलाए, जो लोग एजुकेशन फील्ड में बड़े बड़े फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव लिए हैं, एक स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्यूट्रिशन में बेसिक काम कर रहे हैं, ऐसे समाज जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने निमंत्रण किया था। एजुकेशन इज अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ दैट एंड सो इज हेल्थ एंड इन दीज टू एरियाज नॉट जस्ट द प्राइवेट सेक्टर बट केपेबल पीपल, people who have the resources and people who have the knowledge must come together and join hands with the government. What has really happened today, thanks to the initiative of the honorable minister, that you know, the highest possible honor for engaging with the government has been given, and this will actually hopefully open a floodgate for more such contributions that people can make towards making our educational institutions